video, I have explained you how to write an analytical paragraph on the basis of histogram graph and the chart form. In this video, I will show you how to write the analytical paragraph on the basis of the pie chart, okay, and the map, okay. So, पहले तो हमने पहले वाली वीडियो में हमने थोड़े कम वर्ड्स के पैराग्राफ्स डिस्कस किए थे, बट बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ज़्यादा वर्ड्स के पैराग्राफ होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर इन अ हायर क्लास यू हैव टू राइट एटलीस्ट 150 टू 200 वर्ड्स के बीच में यू हैव टू राइट. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल पैराग्राफ्स ऑल्सो सो दैट इन केस अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन. ओके, सो आप उसको बड़ा मत लिखो, मैं आपको छोटे और बड़े दोनों ही पैराग्राफ्स के एग्जाम्पल दैट इज़ व्हाई आई एम गिविंग यू. सो लेट्स फर्स्ट सी द एग्जाम्पल. द चार्ट बिलो शोज द रीज़न व्हाई द पीपल ट्रैवल टू वर्क बाई साइकिल और बाई कार. ठीक है, you have to write what is your question to summarize the information by selecting and reporting the main features and make the comparison where relevant. Write at least 150 words. So this is the paragraph of 150 words. इसके जो pie chart है, तो पहला pie chart है वो हमें, pie chart क्या होता है, pie chart circular form में जो charts दिए होते हैं उसको pie chart बोलते हैं. जैसे कि in the first pie chart, reasons for cycling to work. So reasons कि हम वर्क में साइकिलिंग करते हुए क्यों जाते हैं, उसका पहला ब्लू जो 30% हमें दिखा रहा है, ऑरेंज वन इज हेल्थ एंड फिटनेस की वजह से, 12% द लाइटिश ब्राउन कलर विच इज़ फास्टर दैन ड्राइविंग, ड्राइविंग ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि इधर उधर से निकल जाती है, छोटी होती है. 13% इज़ नो कॉस्ट, इट डज नॉट कंटेन एनी कॉस्ट ऑफ नो पेट्रोल नो डीजल, राइट. ग्रीन वन शोज नो पार्किंग प्रॉब्लम, देर इज़ नो पार्किंग प्रॉब्लम, 15% ये लोगों का रीज़न होता है. एंड 30% येलो वाले का है लेस पॉल्यूशन, तो लेस पॉल्यूशन इज 30% लोगों का रीज़न दैट वाई दे गो फॉर साइकिलिंग टू वर्क. द अदर पाई चार्ट शोज रीजन्स फॉर ड्राइविंग टू वर्क, अब ड्राइव कार ड्राइव करके स्कूटी ड्राइव करके क्यों जाते हैं, तो 40% इज देर इज कम्फर्ट, अब एसी में बैठे हुए हैं कार में ड्राइव करके जा रहे हैं, अगर जाम भी है तो भी गर्मी नहीं लग रही है, अगर धूप भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यू आर सिटिंग इन एसी, तो देर आर मोर कम्फर्टेबल. सो द ऑरेंज वन इज शोइंग 21% डिस्टेंस टू वर्क, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, अब अगर आप साइकिलिंग करते हुए थक जाओगे तो फिर आप वर्क कैसे करोगे, सो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से दे प्रेफर ड्राइविंग टू वर्क. द ग्रे वन इज़ फास्टर देन साइकिल, ऑब्वियसली इट इज़ फास्टर देन साइकिल. द येलो इज़ नीड टू कैरी थिंग्स टू वर्क, देर आर मैनी थिंग्स लाइक लैपटॉप बैग टिफिन, देर आर मैनी थिंग्स यू कैरी फॉर वर्क, राइट. सो अब जब हम साइकिलिंग में साइकिल में होते तो हम अपना सामान कहाँ रखेंगे, बट इफ़ यू आर इन कार वी कैन कीप इट एट द बैक ऑफ द कार, राइट. सो द 14% पीपल आर सेइंग दैट दे नीड टू कैरी थिंग्स टू वर्क, एंड 11% ऑफ पीपल आर सेइंग दे आर सेफर देन साइकिल. ओके, सो दिस इज वॉट आर पाई चार्ट इज सेइंग. नाउ वी विल राइट, एज आई हैव टोल्ड यू देर आर थ्री पार्ट्स, इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. The two pie chart display the key reasons why people chose to either cycle or drive to work by percentage. So as I've told you earlier also, introduction mein sirf itna hi likhna hota hai ki jo hame pie chart mein diya hua hai, this is what we have wrote in 2 to 3 lines. Then the body comes. The largest proportion of the people who cycle have made their choice for health and environmental reasons. Whilst the prime advantage of driving to work is considered to be the comfort of traveling by car. Notably, for an almost equal proportion of the people, their chosen method is the fastest. So, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है? हमें यही चीज़ बताई गई है इसमें, इस पूरे उसमें, कि जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं 30% एंड 30%, वो किस वजह से, फिटनेस एंड इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से, और जो ड्राइविंग को प्रेफर करते हैं 40% कह रहे हैं कंफर्ट की वजह से, ठीक है, और इवन कि वो फास्टेस्ट मोड है. ओके, इट इज़ ऑल्सो फास्टेस्ट मोड.
देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ टेकन टुगेदर हेल्थ एंड फिटनेस एंड लेस पॉल्यूशन आर रीजंस गिवन बाय ओवर हाफ ऑफ द ऑल पीपल हु प्रेफर ट्रैवलिंग बाय बाइक. सो जो बाइसिकल पे प्रेफर करते हैं उनका जो हाफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो क्यों कह रही है, क्योंकि फिटनेस है इसके साइकिलिंग करके जाने में, हेल्थ है और पॉल्यूशन भी कम होता है उससे. ईच रिप्रेजेंट्स अ 30% ऑफ प्रोपोर्शन विच इज़ डबल द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर रीज़न विच इज़ द लैक ऑफ पार्किंग इशूज एट 15%. सो 15% है जो की प्रॉब्लम नहीं होती पार्किंग है, बट उससे डबल जो है वो कह रहे हैं कि हेल्थ और फिटनेस एंड लेस पॉल्यूशन की वजह से दे प्रेफर साइकिलिंग टू वर्क. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज अ डिफरेंट सेट ऑफ कंसर्न्स हैज अफेक्टेड द डिसीजन ऑफ दोज हु चूज टू कम्यूट बाय कार. कम्फर्ट इज बाय फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर एट 40%. 40% इज सेइंग कि कम्फर्ट होना चाहिए, कम्फर्ट है ऑफ पीपल, बट डिस्टेंस टू वर्क इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर जस्ट ओवर अ 55th ऑफ ड्राइवर्स. सो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है यहाँ पर, और जो डिस्टेंस टू वर्क है वो सेकेंड हाइएस्ट है 21%. फॉर 14% ऑफ पीपल आ फास्टर जर्नी टाइम इज़ द की फैक्टर कंपेयर टू figure of 12% of cyclists. So in this pie chart we can see that faster than cycling or faster than cycle is more important than safer than cycle. So safety ज़्यादा important नहीं है, fastest mode क्या है वो ज़्यादा important है according to the pie chart. I am not saying क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ, I am saying because it is given in the pie chart. Okay, who finds their means of transport quicker. Okay, so quick, so 12% जो दी गई है वो ये बोली गई है कि fastest mode है ये, और because they want fastest mode, that is why they chose fastest mode over the safety, right? Okay, let's see the next paragraph, the next example. In this example it is, you have to write the analytical paragraph on the basis of the map. The map below shows the village of Stokeford in 1930 and 2010. So, एक 1930 का मैप है और एक 2010 का मैप है, सेम ही एरिया का. यू हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट. यू हैव टू राइट इट फॉर एटलीस्ट 150 words. ओके, सो इन द इंट्रोडक्शन एज आई हैव टोल्ड यू जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है हम बेसिकली वही लिख देते हैं. द टू मैप्स इलस्ट्रेट हाउ द विलेज ऑफ स्टोकवर्ड सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर स्टोक. हम अभी हमें कहाँ से पता चला कि ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर स्टोक था, क्योंकि मैप में दिया हुआ है रिवर स्टोक जा रही है बीच में और उसके ईस्ट एंड साइड एक विलेज है हमें, क्योंकि वो भी दिया हुआ है हमें, कंपस भी दिया गया. दैट्स वाई वी नो कि दैट इज़ ऑन द ईस्ट साइड, दैट इज़ वाई वी हैव रोट हेयर. हमने अपने मन से हम नहीं जानते थे कि इसमें क्या है, कहाँ पे है स्टोकफोर्ड. वी डोंट नो दैट, दिस इज ओनली गिवन इन द मैप. चेंज ओवर 80-year पीरियड फ्रॉम 1930 टू 2010. सो वी आर कंपेयरिंग द चेंजेस. नेक्स्ट पैराग्राफ सेज देयर आर कंसिडरेबल डेवलपमेंट ऑफ द सेटलमेंट ओवर दीज ईयर्स एंड इट वॉज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल रूरल विलेज इन टू अ लार्ज रेजिडेंशियल एरिया. एज वी कैन सी कि एक स्मॉल सा 1930 में जो रूरल विलेज है उससे एक बहुत ही बड़ा रेजिडेंशियल एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया. सो दिस इज़ वॉट वी आर सीइंग एंड दिस इज़ वॉट वी आर कंपेयरिंग. The next paragraph, the most notable change in the presence of housing in 2010 on the areas that were farmland back in 1930. As you can see here, यहाँ पर gardens है, farmland है, but यहाँ पर क्या है, residential area है, retirement home है, ठीक है, residential area बन गया. Basically ज़्यादातर 1930 में farmlands है. The new roads were constructed on the road on this land and many residential properties were built. So एक road construct करी गई है यहाँ पर as you can see, and बहुत सारी residential areas की ज़रूरतों की जितनी भी चीज़ें जैसे कि post office है, primary school है, वो सब भी construct हो गया है, ठीक है.
In response to considerable increase in population, the primary schools were extended to around double the size of the previous building. Now you can, as you can see, 1930 में primary school कितना बड़ा था, and you can even see 2010 में double size हो गया है, because maybe the population has increased. That is why the primary school is doubled. Okay, the next paragraph, Willist. The post office remained as a village amenity. Amenity means necessity. The two shops that can be seen to the northwest of the school in 1930 no longer existed by 2010. So there is a shops. There were two shops behind the school, but it doesn't exist. There is a road in 2010. And post office basic amenity, a basic necessity. That is why उसमें कोई changes नहीं हुआ है. वो अभी भी वहीं पर है. Now next. Having been replaced by the houses, there also used to be an extensive property landing in its own large garden situated to the southeast of the school. At some point between 1930 to 2010, this was extended and converted into a retirement home. This was another significant transformation for the village. So village ka transformation ek to garden hai, jo garden ke jagah pe retirement home ban gaya hai yahan par. दूसरा फार्मलैंड है, फार्मलैंड की जगह रोड्स बन गई हैं. ओके, एंड ये जो डायरेक्शंस वी कैन सी फ्रॉम द कंपास, दिस इज, देयर इज अ कंपास गिवन, वी कैन सी द डायरेक्शन फ्रॉम देयर. ओके, व्हाट इज द ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड एंड ईस्ट साइड. सो दिस वाज द कंक्लूजन. दिस इज हाउ वी हैव कंपेयर्ड टू मैप्स ऑफ वन ऑफ 1930 एंड वन ऑफ 2010. सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. आई हैव ऑलमोस्ट टॉट यू ईच एंड एवरी chart that can come in your question paper. So I wanted to go through the videos, and if you have any doubt, you can ask. Thank you.